गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज फर्स्ट वी विल लर्न ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमीज आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज हम लोग आज टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले हम इकोनॉमी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से किस तरीके से डिवाइड किया गया है एंड Uh, according to the UN classification, they have divided the developed and underdeveloped economy on the basis of per capita income. On the basis of per capita income, first we will going to learn about developed economy. Developed economy means an economy which have high level of per capita income and a high standard of living. Economies which enjoy a high level of per capita income and high standard of living are called developed economies. Economies of the USA, Canada, England, Japan, Germany, these are the examples of the developed economies. It means this country ke per capita income standard of living high. Hai. It means that country is under the developed economy system. Now, the features of a developed economy the first one high level of per capita income, second predominance of industrial and service sector, third high level of infrastructure development, fourth technological advancement, fifth full exploitation of resources, sixth high rate of savings and capital formation, seventh low growth rate of population. It means जो कंट्री डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाती है उसकी पर कैपिटल इनकम बहुत हाई होती है ठीक है सेकेंड पॉइंट वहाँ पे इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर का रोल ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर बेटा नेक्स्ट हाई लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इट मीन्स वहाँ पे कम्युनिकेशन बैंकिंग सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंश्योरेंस सेक्टर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डेवलप्ड है फोर्थ पॉइंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इट मीन्स दे आर यूजिंग अ हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दे आर एबल टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज मतलब फुल एक्सप्लॉयटेशन कर पाते हैं रिसोर्सेज का And the people living in a developed economy, their incomes are high. Because of the increase in income, they are able to save more. And hence, capital formation is more in a developed economy. The last point low growth rate of population in a developed economy, the rate of population growth is also very low as compared to. डेवलपिंग इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकनॉमी इट मीन्स बेटा जो डेवलप्ड इकनॉमी है वहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ये सारे फीचर्स आपको जिस इकोनॉमी में मिलेंगे वो फीच वो इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाएगी नाउ डेवलपिंग इकनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी इज़ वन विच इज़ नॉट डेवलप्ड येट मतलब जो डेवलप हो रही है बट पासिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो अभी ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रो मतलब एक स्टेज उसका चल रहा है इट इज़ नॉट येट फिनिश्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल हैज़ नॉट रीच्ड अ हाई लेवल बट इज़ राइजिंग तो यहाँ पर डेवलपिंग ही है ना तो मतलब क्या है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है पहले से कंपेरेटिवली इंक्रीज़ हो रहा है बट अभी फुली डेवलप नहीं है जिस तरीके से डेवलप्ड कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है सिंस पर कैपिटा इनकम इज रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री अ डेवलपिंग इकोनॉमी कैन दर्ज बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमी वेयर पर कैपिटा इनकम इज राइजिंग बट नॉट रीच्ड अ हाई लेवल इसका मतलब क्या हुआ बेटा पर कैपिटल इनकम हम मानते हैं लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग का एक मेजर चेक होती है जिससे जिस कंट्री में पर कैपिटल इनकम बहुत हाई होती है तो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग भी हाई होगी क्योंकि लोगों के पर हेड इनकम उनकी अच्छी है तो इसलिए इन्होंने क्या कहा जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उनकी पर कैपिटल इनकम कंटिन्यूसली राइज कर रही है बट अभी डेवलप्ड इकोनॉमी के रिलेटेड नहीं पहुँची चाइना इंडिया थाईलैंड मैक्सिको एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं डेवलपिंग इकोनॉमी के नाउ फीचर्स ऑफ अ डेवलपिंग इकोनॉमी फर्स्ट पॉइंट दो द लेवल ऑफ पर कैपिटल इनकम इज लो एज कंपेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमीज येट इट हैज़ अ राइजिंग टेंडेंसी इनकी पर कैपिटल इनकम डेवलप्ड इकोनॉमी से कम है बट वो कंटिन्यूसली राइज कर रही है तो उस इकोनॉमी को हम डेवलपिंग इकोनॉमी में रखते हैं सेकेंड पॉइंट रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर बीइंग सीन ग्रेजुअली राइजिंग इनके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी क्या हो रहे हैं धीमे धीमे इंक्रीज हो रहे हैं थर्ड वन ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेडली चेंजेस इन फेवर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्टरी सेक्टर सेकेंडरी एंड टर्टरी मतलब Industries and service sector. It means yaha ki log pehle, they are busy in doing the agriculture activities only, but up unka occupation structure change ho hai, shift to hai. They are now prefer more industrial and service sectors. Fourth one, the contribution of the primary sector of the country's national income gradually declines and those of the secondary and the territory sector tends to increase. इन्होंने क्या कहा जो प्रोडक्शन होता है अब पहले लोग ज्यादा प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थे तो उसका कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में ज्यादा था प्रोडक्शन का बट नाउ सेकेंडरी सेक्टर और टर्टरी सेक्टर भी डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से उसका कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज होता जा रहा है डेवलपिंग इकनॉमी में फिफ्थ पॉइंट ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कॉमन पीपल उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज हो रहा है एंड द सिक्स वन इज़ इम्प्रूवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वो लोग यूज कर रहे हैं इस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एज द डेवलप कंट्री इज यूजिंग टू पुश अप देयर इकोनॉमी फ्रॉम एन अंडर डेवलप टू डेवलपिंग वर् आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर ना डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है बेटा फर्स्ट वन मोर एवरेज इनकम हायर पर कैपिटल इनकम एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप्ड इकोनॉमी में एवरेज इनकम बहुत हाई होता है पर कैपिटल इनकम भी हाई है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होता है डेवलपिंग इकोनॉमी में इसका कॉन्ट्रास्ट रहता है उसके कंपेरेटिवली कम होता है एक्जैक्टली exactly कॉन्ट्रास्ट नहीं है डेवलप्ड इकोनॉमी के कम्पेटिवली कम है बेटा ठीक है दैट इज़ वाई इज रिटर्न लो एवरेज इनकम लेस पर कैपिटल इनकम एंड नॉट गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्योंकि हमने किससे कंपेयर किया है डेवलप्ड इकनॉमी से सेकेंड पॉइंट आता है बेटा द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ डेवलप्ड कंट्रीज इज़ जनरली वेरी हाई ये मैंने आपको पहले भी बताया कि डेवलप्ड इकनॉमी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है और डेवलपिंग इकनॉमी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो होता है इट्स नॉट वेरी हाई नेक्स्ट पॉइंट क्या है डेवलप्ड इकोनॉमी का बेटा इनकम इनक्वालिटीज़ उनमें वहाँ पे इनक्वालिटीज़ कम है और डेवलपिंग में अभी इनकम इनक्वालिटीज़ ज़्यादा होती हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है लिटरेसी रेट इज़ क्वाइट हाई ड्यू टू बेटर एजुकेशन सिस्टम जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है डेवलप्ड है एजुकेशन सिस्टम अच्छा है वहाँ पे इसीलिए लोग अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं और भी और डेवलपिंग इकोनॉमी में लिटरेसी रेट डेवलप्ड इकनॉमी के कंपैरेटिवली क्वाइट लो है क्योंकि सबको एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही एज पीपल्स आर डिप्राइब्ड ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ नेक्स्ट पॉइंट है बेटा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इज मोर ड्यू टू बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप्ड इकोनॉमी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हाई होता है क्योंकि वहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है और डेवलपिंग इकोनॉमी में लाइफ स्टैंड stand, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है बेटा नॉट वेरी हाई डेवलप्ड कंट्री से हम अगर कंपेयर कर रहे हैं तो वो उतनी हाई नहीं है आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल थैंक यू स्टूडेंट्स